Good day, class 12 students. Today I have got John Milton's poem on his blindness for you. आज हम ये poem करने जा रहे हैं John Milton द्वारा. John Milton भी बहुत famous है बच्चों, और ये उनकी poem, ये भी बहुत ही famous poem है on his blindness. ये एक personal sonnet है. On his blindness को समझने से पहले हम कुछ शब्द देख लेते हैं. इट इज अ पर्सनल सोनेट. पर्सनल, ये उनके निजी जीवन पर आधारित है, इसलिए पर्सनल है. सोनेट हमने आपको पहले भी बताया है. सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइंस विद अ पर्टिकुलर राइम स्कीम, है ना. उसमें 14 लाइंस होती हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं. तो ये सोनेट भी है और पर्सनल भी है. और ये किस एक मोनोलॉग के रूप में है. अब व्हाट इज अ मोनोलॉग? डायलॉग सबको पता है ना, फिल्मों में डायलॉग बोलते हैं, संवाद. लेकिन ये मोनोलॉग है. मोनोलॉग मीन्स सिंगल पर्सन बोलने वाला खुद. तो ये उनके अंदर की बात है, अंदर जो उनका अंतर्मन उनसे बातें कर रहा है वो है, इसीलिए ये मोनोलॉग भी है. अब ये पर्सनल क्यों है बच्चों, ये भी समझना जरूरी है. पर्सनल निजी पोएम क्यों है? क्योंकि ये है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनके अंधेपन पर. मतलब कि उन्होंने ये खुद अपने अंधेपन पर लिखा था. बिकॉज ही बिकेम ब्लाइंड से आफ्टर 42 ईयर्स, धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी जाने लगी. और एक समय आया कि ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए. पैदाइशी नहीं अंधे थे, बाद में 40 साल के बाद से रोशनी कम होना शुरू हुई. तो आप सोच सकते हैं इट इज़ सो पेनफुल, सो एग्नाइजिंग. कितना वो दर्दनाक है कि अगर आपके पास दुनिया आपने देखी हुई है और अचानक से देर इज़ नो आई साइट, आपकी आंखें चली जाती हैं, यू कान सी द वर्ल्ड, आप दुनिया देख नहीं सकते हो, तो आपके अंदर क्या होता है? यू आर सो अपसेट, सो डिसअपॉइंटेड. कितना परेशान हो जाते हो क्योंकि अब कुछ नहीं रह गया है, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो गया है. तो ये वो अंदर बहुत तकलीफ को महसूस कर रहे थे, और वो बहुत ही लिखने में बहुत विश्वास करते थे, उनको लिखने का बेहद शौक था. तो अब वो जो उनका टैलेंट था, मेन पोएटिक टैलेंट, लिखना, अब वो इसलिए और भी परेशान हो गए कि नाउ गॉड हैज लेफ्ट मी लाइक दिस, अब भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, हाउ विल आई राइट, मैं उनके लिए कैसे लिखूंगा, हाउ विल आई सर्व हिम, मैं उनकी सेवा कैसे करूंगा, ये सारे प्रश्न वो इसमें पूछते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं. When I consider, जब मैं सोचता हूँ हाउ, कैसे माई लाइट, लाइट इज प्रकाश, मेरी रोशनी इज स्पेंट, मेरी रोशनी कैसे खर्च हो गई, मतलब मेरी दृष्टि कैसे चली गई, मेरी देखने की शक्ति कैसे खत्म हो गई. एर हाफ माई डेज, सीआरई लिखा है ना, एर हाफ, एर मीन्स बिफोर, हाफ माई डेज, अभी तो मेरे आधे दिन ही बीते हैं, मतलब मैं अपने जीवन के अभी आधे आधे समय बिता चुका हूँ, अभी मुझे और जीना है, और मेरी दुनिया कैसे हो गई. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, दुनिया मेरी डार्क हो गई, अंधेरी हो गई है, वर्ल्ड वाइड, अभी वाइड है वर्ल्ड, इसलिए दुनिया में मैं अब कैसा हूँ, आई एम अलोन, आई एम इन अ डार्क वर्ल्ड, मैं एक अंधेरी दुनिया में हूँ. एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और मेरे लिए वो जो टैलेंट है, मेरी योग्यता, मेरी प्रतिभा, क्या होता है लिखना, पोएटिक टैलेंट, इज डेथ, डेथ टू हाइड, मेरे लिए उसको छुपाना क्या है, डेथ, मौत के समान है. अगर मैं उसको छिपाता हूँ, अगर मैं नहीं लिख पाता हूँ, तो फिर वो मेरे लिए मरने के समान है. मतलब वो उनको इतना पसंद है. देखिए, हम सभी को कोई ना कोई चीज़ें पसंद होती हैं जिसको हम हर हाल में करना चाहते हैं. जैसे अब हम ही हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, लॉकडाउन हो गया, फिर भी हम तैयार होकर आके आप लोगों को पढ़ा तो रहे हैं. तो हमको शौक है उसका, इट्स माई पैशन, वो हमें पसंद है, तो हम हर कष्ट झेल कर भी उसको करना चाहेंगे. तो यही चीज इनके साथ ही, अब वो अंधे हो गए, तो उन्हें इतनी तकलीफ थी कि मैं कैसे सर्व करूंगा, मेरा जो टैलेंट है वो खत्म हो चुका है. एंड वो जैसे मृत हो जाएगा मेरे लिए. लॉस्ट विथ मी यूजलेस, उसने मुझे यूजलेस बना दिया, बिकॉज नाउ आई एम ब्लाइंड. दो माई सोल मोर बेंट, लेकिन मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, ये मोर बेंट है, वो और उत्सुक है किसके लिए, सेवा करने के लिए. किसकी? टू सर्व देयर विथ माई मेकर, माई मेकर, मेरे बनाने वाले को सर्व करना, सेवा करना. मेरा बनाने वाला कौन, आपका बनाने वाला कौन, हम सबको बनाने वाला कौन, ईश्वर. तो भगवान की मैं सेवा करना चाहता हूँ, मगर भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया ना. एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ट्रू अकाउंट, ट्रू मीन्स सच्चा, सही, अकाउंट मीन्स हिसाब किताब, जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए, क्या हुआ मेरे साथ, वो सब मैं उनको बताना चाहता हूँ. क्या बताना चाहती हूँ कि गॉड, व्हाई हैव यू डन दिस टू मी, दिस इज व्हाट इट इज, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी आंखों की रोशनी ले ली, ये सब मैं उनको कहना चाहता हूँ. तो ये सब वो किसी से कहने रही, टॉकिंग विद इन हिमसेल्फ, वो अपने से बात कर रहे हैं. तब उनका मन उनको खुद ही जवाब देता है.
लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट ही मतलब फिर उनका रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड माने गुस्सा करना, पटकारना, तब उनका ही मन उनको जवाब देता है कि तब कि अरे ऐसा नहीं है, डोंट थिंक दिस वे, इस तरह से मत सोचो. क्यों? सवाल ये है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट, मतलब क्या ईश्वर चाहता है डे लेबर, मतलब क्या, किसी से परिश्रम लेना, किसी को मेहनत करवाना, लाइट डिनाइड मतलब रोशनी छीन कर भी ईश्वर क्या उससे परिश्रम करवाना चाहते हैं? आई ओनली आस्क, मैं ये पूछता हूँ, बेवकूफी भरा सवाल ये मैं अपने आप से करता हूँ, क्या ईश्वर को चाहिए, क्या ईश्वर को मेरे श्रम की जरूरत है? But patience to prevent that murmur soon replies. लेकिन जो मेरा patience है, patience मतलब धैर्य. To prevent that murmur, prevent रोकने के लिए, तो ये जो अंदर मैं बड़बड़ा रहा हूँ कि भगवान तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ, अब मैं कैसे आपकी सेवा करूँगा, मेरे टैलेंट को छीन लिया, मेरी दुनिया को अंधेरा कर दिया है ना, तो ये जो अंदर चल रहा है murmuring sound, बड़बड़ाना, बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, ये पर्सोनिफिकेशन भी है, फिगर ऑफ स्पीच और ओनोमेटोपिया भी है, ये पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में, तो इस पे ध्यान दीजिएगा. तो अंदर से वो ध्वनि आती है, मेरा जवाब अंदर खुद दिल से निकलता है, क्या? गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, ईश्वर को जरूरत नहीं है बच्चों ईदर मैन्स वर्क, ना तो इंसान के काम की, ना तो उसके टिप्स के, जो उपहार ईश्वर ने यहाँ दिए हैं हम लोगों को, ईश्वर को ना उन उपहारों की जरूरत है बच्चों, और ना ही हमारी और आपकी जरूरत है, क्योंकि वो क्या है, वो तो परमपिता परमेश्वर, ही हैज गॉट एवरीथिंग, उनके पास तो सब कुछ है, उनको कुछ चाहिए क्या? उनको कुछ नहीं चाहिए, तो उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि हम उनमें विश्वास, तो वो कहते हैं either man's work or his gifts, who best bear his mild yoke, जो who का मतलब यहाँ जो है, जो बहुत अच्छी तरह से सहन करते हैं ईश्वर की दिया हुआ योग. यहाँ पे योग क्या है, देखो बच्चों ये YOOKE है, ये योग का मतलब होता है, आपने देखा होगा बैलों के गले में जो लगाया जाता है जब हल वो चलाते हैं खेती करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, तो वो कंट्रोल तो किसी और के हाथ में होता है, तो ईश्वर वही करता है कि जो मैंने जो योग डाला है आपके ऊपर, अगर आप उसे सहते हो, इफ यू लिसन टू इट, उसमें आप विश्वास रखते हो, तो यही आपकी सबसे अच्छी सेवा है. इसका मतलब यह है कि डू नॉट कंप्लेन, गॉड नोज द बेस्ट फॉर यू, भगवान को हमारे बारे में सबसे अच्छा पता है, अगर उसने डाला है हमारे ऊपर तो हमको उसको कंप्लीटली सरेंडर करना है, स्वीकारना है कि हाँ शायद इसमें कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ईश्वर को तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका स्टेट क्या है, किंगली है. देखो हिज स्टेट इज किंगली, उनका जो स्टेट है, मतलब स्टेट माने दो चीजें होती है बच्चों, राज्य भी हो सकता है, स्थिति भी हो सकती है, उनका जो राज्य है, उनकी जो स्थिति है, वो किंगली है, राजसी है. वहां पर क्या है, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स हजारों लोग बिडिंग, बिडिंग इज ऑर्डर, ऑर्डर पे दौड़े जा रहे हैं ईश्वर के, क्योंकि ईश्वर को तो किसी चीज की कमी नहीं है. थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दौड़े जा रहे हैं कहाँ पे, पोस्ट मीन्स रन, हियर एंड देयर, कहाँ पे, लैंड में, जमीन, धरती पे, ओशन, समुद्र में, विदाउट रेस्ट, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि ईश्वर, बस ईश्वर ने आदेश किया वो पूरा हो रहा है, तो लोग दौड़, उनके पास तो बहुत लोग हैं काम के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो ईश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, ना हमारे मेहनत की है. तो लास्ट लाइन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बच्चों, इस पूरे सोनेट का जो टर्निंग पॉइंट है ये है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो लोग भी सेवा करते हैं बच्चों जो खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आप बस खड़े रहिए और प्रतीक्षा करिए, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कंप्लीट फेथ रखिए, सरेंडर करिए, मतलब समर्पित होइए, ईश्वर ने जो किया है उसको मानिए कि हाँ भगवान आपने जो किया मेरे लिए अच्छा किया, अगर इसको मान के चलेंगे तो आपके साथ बेहतर होगा. कभी कभी देखिए लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, आपने देखी होंगी, जब शुरू में कुछ हो जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, कहते हो आप ये क्या है, दिस इज नॉट फेयर, ये क्यों मेरे साथ हुआ, लेकिन बाद में वही स्थिति आपको बेहतर चीज ला के देती है, तब आप रियलाइज करते हो. इसीलिए कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब कभी कभी आपको वो स्थिति बुरी लगती है, लेकिन वो स्थिति आपके लिए कुछ अच्छा लेकर भी आती है. तो ये पोएम इस तरह से खत्म हो जाती है. तो ये लास्ट लाइन भी बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिए, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट. तो हमारा काम यहाँ है, वी शुड हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर पर हमें विश्वास रखना है, यकीन रखना है, इसी को प्रैक्टिस करें.